दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोजर, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके मोबाइल फोन के टाइमर की एक ऐसी सीक्रेट फीचर बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन के टाइमर में अपनी पर्सनल फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल को रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सोचा है यार हम अपने मोबाइल फोन के टाइमर में सारी की सारी चीजें कर पाएंगे, रख पाएंगे, मतलब कि किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि आप अपने मोबाइल फोन के टाइमर में ये सारी की सारी चीजें रखे हो भर के। आप आसानी से अपने पर्सनल या प्राइवेट फोटो वीडियो छिपा सकते हो, किसी को नहीं पता चलेगा। अगर आप जानना चाहते हो कैसे तो इस वीडियो को कर दो लाइक और ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो। तो दोस्तों उसके लिए आपको टाइमर नेम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहां पे सबसे पहले आपको परमिशन देनी होगी, तो हम इसे जो है परमिशन दे देते हैं। यहां पे आप जैसा कि देख लीजिए कुछ इस टाइप से आपको इसे जो है ऑन कर देना होगा। यहां पे उसके बाद आपको बैक चले जाना होगा, फिर आपको नेक्स्ट करना होगा, फिर यहां पे वापस से आपको एक परमिशन देनी होगी। यहां पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये सारे के सारे परमिशन आपको दे देना है, उसके बाद यस पे क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिकवरी पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4, आप हार्ड डालिएगा ताकि किसी को पता ना चल पाए। और यहाँ पे कोई भी नेम डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, आपको बस याद रखना है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कोई एक रिकवरी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको जो है मेन पॉइंट पे ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जो है कोई भी टाइमिंग पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे कि इस समय 12 बज रहे हैं तो अगर आप चाहें तो इसे 12:30 कर सकते हैं, जितना भी आपकी मर्जी ना उतना पासवर्ड में सेट कर सकते हैं। ये है हमारा मेन पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे कि मैं 12:30 कर देता हूँ, उसके बाद बीच पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद एक बार और आपको ये जो है कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये अब जो है कंफर्म हो चुका है। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अपनी फोटो, वीडियो, फाइल या फिर प्लस पे आइकॉन पे क्लिक करके एक और फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज आप छिपा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है पिक्चर पे, उसके बाद प्लस के आइकॉन पे चले जाना है। यहाँ से गैलरी से आप फोटो लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपके सारे के सारे फोटोज आ जाएंगे। जहां से भी आप फोटो लेना चाहें वो लेके जो है उसमें छिपा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं कोई। इसमें कुछ ऐड भी आते हैं, ये फ्री का है तो ऐड तो आएगा ही, आपको पता ही है। उसके बाद आपको लॉक पे क्लिक कर देना है। ये जो है आपके गैलरी से यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आप जैसा कि देख लीजिए, तो ये गॉट इट कर दीजिए। ऐसे ही दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन के वीडियो, फाइल्स, डॉक्यूमेंट सभी चीजें इसमें छिपा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, किसी को भनक तक नहीं लगेगा। बाहर से ये एप्लीकेशन दिखने में टाइमर जैसा है, यहाँ पे आप जैसा कि देख लीजिए अगर कोई इसे ओपन भी कर लेता है ना तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि ये वॉच है। यहाँ पे आप जैसा कि देख लीजिए आपके मोबाइल फोन में जो टाइमिंग हो रहा होगा वही यहाँ पे भी शो होगा, तो सोचेगा ये वॉच है मतलब घड़ी है। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आप इसमें जो है ये सारी की सारी चीजें छिपा के रखे हो। अब आप इसे कैसे ओपन करोगे? आपको ओपन करने के लिए ये जो बीच का बटन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो टाइमिंग सेट करी है वो यहाँ पे जो है डाल दीजिए, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है। वापस से ये आपका जो है फाइल वगैरह ओपन हो जाएगा, अब आप इसे जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक खास फीचर ये भी मिल जाता है, अगर कोई एक बार भी गलत पासवर्ड डालेगा उसका जो है सेल्फी ले लेता है। उसके बाद जैसे ही आप वापस से एप्लीकेशन में आएंगे ना आपके सामने स्क्रीन पे ही शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, आप एप्लीकेशन के आइकॉन को भी हाइड कर सकते हैं, सब कुछ इसमें मिल जाता है। आप इसे फिंगरप्रिंट से भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे आप जैसा कि देख लीजिए, मतलब इसमें मोस्टली सभी फीचर आपको मिल जाते हैं। ऐप लॉक का फीचर भी इसमें आपको दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और ये एप्लीकेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो यार इस वीडियो को ठोक दो लाइक और इस चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए डेली एक नए नए वीडियो आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।